Assalamu alaikum students, welcome to online classes of Rise and Shine School. I am your math teacher Kiran Murtada of grade 5. Topic number 3, fractions, page number 41, 48, 49, 50, 56 and 60. Topic number 3, fractions, lecture number 1, page number 4. आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स इस लेक्चर के इख्तिताम पर आसानी के साथ नंबर्स को यानी एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा जब फ्रैक्शंस होंगी और जब उनके डिनोमिनेटर्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, यानी डिफरेंस इनके डिनोमिनेटर्स होंगे. टॉपिक नंबर 3 फ्रैक्शंस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. एट द फॉलोइंग, आपके बुक का पेज नंबर है ये 41, इसका क्वेश्चन नंबर आपको 4 है आपके बुक पे. एट द फॉलोइंग यानी हमें यहाँ पे इनको ऐड करना है, हमें फ्रैक्शंस में दिया हुआ है. इनके सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम इसका एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं करेंगे. तो सबसे पहले देखिए हमने इसी क्वेश्चन को दोबारा उतारा. अब 5 और 20 यानी इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है अनलाइक फ्रैक्शन से, तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया. 5 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका एलसीएम आएगा 20. अब हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर को, यानी 20 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है. 20 के टेबल में 20 वन टाइम आता है. अब ये वाला जो वन है आपने मल्टीप्लाई करना है इसके नोमिनेटर से यानी ऊपर वाले नंबर से. 3 बन जाएगा ये हमारे पास, प्लस का प्लस इसी तरह रहेगा. अब हम क्या करेंगे, अब फिर देखेंगे 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है. 5 के टेबल में 20 4 टाइम आता है. अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, जो आपके पास ये नोमिनेटर नज़र आ रहा है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 बन जा 4. अब हम क्या करेंगे, 4 में प्लस करेंगे 3, तो हमारे पास बन जाएगा 7 और 20 का 20 सीधा लिखेंगे. अब आगे मजीद ये ना ही किसी टेबल से कट रहे हैं और ना ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऊपर वाला नंबर जो है आपके पास वो छोटा है. अगर बड़ा होता तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में चेंज कर सकते थे. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है. यहाँ पे हमारे पास इसको ये नंबर जो है हमारे पास मिक्स नंबर में है, तो सबसे पहले हम इन मिक्स नंबर को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा उतार लेना है. इसके बाद अब हम इसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे, 6 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे. 6 10 60, 1 प्लस कर देंगे 61 बन जाएगा. 61/6 प्लस, अब 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 288. इस पर प्लस करेंगे 5 तो ये बन जाएगा हमारे पास 293. यानी 36 को मल्टीप्लाई किया आपने 8 से, जो आंसर आएगा 288 उसको उसमें प्लस कर देंगे हम 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 293/36. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 36 है. जब भी डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे. जब हमने दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 36. अब हम चेक करेंगे इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने, 36 के टाइम में 36 कितने टाइम्स में आता है, यानी 36 के टाइम में 36 वन टाइम आता है, तो हम इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से यानी नोमिनेटर से. 293 इसी तरह आ गया, प्लस का प्लस. अब 6 के टाइम में 36 कितनी दफ़ा आता है, 6 टाइम आता है. अब हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर से यानी ऊपर वाले नंबर से. 6 1 6 6 6 36, तो ये हमारे पास बन गया था 366. अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 659/36. अब जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8 is 11/36. अब हमारे पास है पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट. एफ पार्ट में भी हम इसी तरह करेंगे. सबसे पहले मिक्स नंबर को हम फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. सबसे पहले 10 के टेबल 9 10 9 90, 1 प्लस किया तो ये बन जाएगा 91/10, प्लस का प्लस. 3 5 15, 1 प्लस किया तो ये बन गया 16 16/5, प्लस 15 4 60, 60 में 1 प्लस किया तो बन गया हमारे पास 61/15. अब हम इनको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने 10, 5 और 15 का जब हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया था 30. एलसीएम कैसे लिया, जैसे हमने 10, 5, 15 लिखा. अब हम तीनों नंबर को 5 से करेंगे और जो नंबर रह जाएगा उसको अगले नंबर से कर लेंगे. तो 5 2 10,
फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ना ही ये टू से हो सकता था और ना ही ये थ्री से हो रहा था, क्योंकि थ्री के टेप पे ना ही टेन आया था ना ही फाइव, सिर्फ फिफ्टीन आता। अब हम करेंगे इसको टू से, टू वन जा टू, टू वन जा टू, थ्री हमने सीधा लिखा, थ्री वन जा थ्री, इन तमाम नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्राइम नंबर्स को, फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, तो ये आ गया था हमारे पास एलसीएम थर्टी, हमने थर्टी यहाँ लिखा। अब फिफ्टीन के टेबल में चेक करेंगे थर्टी कितने टाइम से आता है, टू टाइम, इस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नंबर से यानी नोमिनेटर से, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, प्लस का प्लस, फाइव के टेबल में थर्टी आता, फाइव के टेबल में थर्टी आता है सिक्स टाइम, सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, थ्री प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन गया था नाइन्टी सिक्स, टेन थ्री जा थर्टी, थ्री वन जा थ्री, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, तो ये बन गया था टू हंड्रेड एंड 73। हमने तमाम तीनों नंबर्स को ऊपर वाले को प्लस किया तो हमारे पास बन गया था 491 अपॉन 30। अब हमने ऊपर नंबर बड़ा था या तो हमने इसको डिवाइड किया, 31 जा 30, 9 का 9, 4 में से 3 किया 1 बचा, 19 छोटा था तो हमने यहाँ से 1 उतार लिया, 36 जा 180, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया था यहाँ पे 11। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया था 6 इज 11 अपॉन 30। स्टूडेंट्स आज का होमवर्क है आपका, आपने पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 4 में बी ई एच पार्ट अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा इसके लॉजिक की फाइल में आपका ये होमवर्क अटैच होगा, तो आप अपनी कॉपी से ये मैच कर लीजिएगा।